अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आजकल ना सारी फोटोग्राफर जिसके पास अच्छा फोन है वो मेरी तरफ फोटोग्राफर बन जाता है, सारे दूसरे के ले रहे हैं फोटोज। बहरहाल जब आप फोटो शूट करते हैं किसी का फोन से पिक्चर ली या बाकायदा कैमरे से ली, आपको पता है कैसे लेनी है तस्वीर, तो जब आप पिक्चर ले चुके हैं ठीक है ये बताने के लिए कि तुम बड़े खूबसूरत लगते हो, तुम बड़ी खूबसूरत लगती हो, तो बाद में जब आप पीसी पे डाउनलोड करते हैं या फोन पे उसको वापस देखते हैं या कैमरे में देखते हैं तो लगता है कि फेशियल एक्सप्रेशन तो ठीक है लेकिन जो बॉडी मूवमेंट है, जो पोस्चर है वो कुछ सही नहीं है। जैसे मैंने कहा था कि तुम ऐसे बाजू लहराना मैं दोनों फोटो वैसे बाजू लहराया नहीं, जो सारा सिस्टम है वो खराब हो गया। वो कैसे सही कर सकते हैं बॉडी पोस्चर जो है वो कैसे सही कर सकते हैं फोटोशॉप के अंदर, ये मैं जरूर बताऊँगा। और मैं लिक्विफाई टूल की बात नहीं कर रहा, ये डिफरेंट चीज़ है और है इस चीज़ की। चलते हैं फोटोशॉप को, देखते हैं कि बॉडी पोस्चर कैसे सही करते हैं। बॉडी मूवमेंट या पोस्चर कुछ भी कह सकते हैं, उसको सही करने के लिए मेरे पास दो मॉडल्स हैं, नंबर वन तो ये और नंबर टू ये, ठीक है। सबसे पहले खातून पर काम करते हैं, तो इसकी मैं कॉपी बना लूँगा यहाँ पे ताकि आपको बिफोर आफ्टर नज़र आए। अच्छा ये फर्स्ट कॉपी है, ये सेकंड है, ठीक है। तो मैं काम करूँगा सेकंड पे ताकि आपको डिफरेंस नज़र आए। सबसे पहले मुझे क्या करना, मैं जाऊँगा एडिट पे और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा पपेट रैप, ना कि पर्सपेक्टिव रैप। अक्सर लोग इस पे काम करते हैं और फ्री ट्रांसफॉर्म पे काम करते हैं, जो कि एक नहायत ही गलत तरीका है। आपने काम करना है बंदे का पोस्चर सही करने के लिए पपेट रैप पे सिलेक्ट करें। यहाँ पे एक मैं पॉइंट दूँगा, एक पॉइंट यहाँ पे, एक यहाँ पे। अच्छा पॉइंट अगर मैं नहीं देता तो अगर मैं इसकी मूवमेंट करता हूँ तो पूरी बॉडी मूव होगी। यहाँ से मुझे इसको ब्लॉक भी करना है, ठीक है, ताकि वो इससे मूव हो यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ जिसका बाजू है वो बहुत सीधा है, थोड़ा सा नीचे आए, मैं यहाँ इसको पकड़ूँगा और नीचे लेके आऊँगा यहाँ पे, और इस बाजू को मैं हल्का सा करूँगा ऊपर। अच्छा जब बाजू को मैं टच कर रहा हूँ इसका सर भी मूव हो रहा है। अगर आप तो चाहते हैं कि सर नेचुरली मूव हो तो फिर आप इसको टच ना करें, अगर आप चाहते हैं कि ना मूव हो तो एक ब्लॉक आप यहाँ दे दें तो सर मूव नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सर की मूवमेंट थोड़ी सी आगे जाए ये। अच्छा अब मुझे इस टांग को थोड़ा सा नीचे करना है कुछ इस तरह से, और इसको मैं थोड़ा सीधा करूँगा ताकि बिल्कुल सर के नीचे आए, तो ये हो गया। अब आपको जो फ़र्क है दोनों में वो वाज़ह नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अभी काम करते हैं दूसरे वाले पे, इसको मैं करता हूँ हाइड और इसको भी मैं करता हूँ हाइड और इसको मैं करता हूँ शो। इसका मैं बिफोर एंड आफ्टर करने के लिए मैं इसकी एक कॉपी बनाता हूँ, स्केल डाउन करता हूँ ताकि ज़्यादा जगह ना घेरे। इसमें मुझे ज़्यादा कुछ मसला नज़र नहीं आ रहा, सिर्फ जो हजरत हैं इनका जो हाथ है वो बड़ा ही कोई पीछे जा रहा है जिसे कैच पकड़ रहे हैं, इसको मुझे करना है सही। इसके मैं करूँगा सिलेक्शन एडिट पे पपेट रैप, यहाँ पे दूंगा एक यहाँ पे डॉट, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। मैं चाहता हूँ इसकी गर्दन साथ मूव ना करे, ठीक है, खातून को ब्लॉक करेंगे सब जगह से। अच्छा इसको मैं बाजू को मैं यहाँ लेके आना चाहता हूँ थोड़ा नीचे, इसकी मैं मूवमेंट स्टार्ट करता हूँ, लेकिन पंगा ये हो रहा है कि लेग भी साथ मूव कर रही है, तो लेग को मैं यहाँ से ब्लॉक करता हूँ। लेकिन एक और चीज़ भी है, गर्दन मूव करनी चाहिए, इसको मैं डालता हूँ आल्ट पकड़ के, इस पर क्लिक करेंगे तो ये गायब हो जाएगा यहाँ से। ये अभी ये कैच नहीं पकड़ रहा, अभी अपनी असली हालत में है। असली हालत क्या है कि इसका हाथ और इसका हाथ दोनों बराबर एक एंगल में आने चाहिए। चलें जी ये था पपेट रैप, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत काम देगा आपको।